देखिए बारिश की जरूरत भी है और इस प्रकार की बारिश की थोड़ी थोड़ी जरूरत हम भी महसूस करते थे क्योंकि धूल काफी ज्यादा हो गई थी यहाँ मैदान में। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के संतोष है कि कल का मौसम बिल्कुल साफ बताया गया और हमने देवी देवताओं से भी प्रार्थना की और विशेष तौर से कमरू नाग जी से भी प्रार्थना की है कि कल का मौसम साफ रहे ताकि हमारा ये कार्यक्रम बहुत उत्साह के साथ सफल हो सके। सर ओमिक्रॉन का पहला मामला सर हिमाचल प्रदेश में सर आज पुष्टि भी हो चुकी है सर, और किस तरह से बंदिशें सर रैली के बाद रहेंगी सर? देखिए मुझे लगता है कि इस बात को लेकर के बहुत चिंतित होने की आवश्यकता थी। जो एक केस आया था वो अपूर्ण रूप से स्वस्थ है, वो कोविड नेगेटिव आ चुके हैं और उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जो जो लोग थे, जो तीन चार लोग, उनमें से कोई भी पॉजिटिव नहीं पाया गया है। तो ऐसे में डरने की आवश्यकता नहीं, लेकिन सावधान रहने की जरूरत हमेशा रही। सर एक जो पुलिस के परिजन है सर, उनका सर विरोध जताया सर उन्होंने कि काले झंडे दिखाएंगे सर, ये सारी बातों को लेकर के अब हम बिल्कुल गंभीरता से इन सारी चीजों को लेंगे। अगर कोई इस प्रकार की कोई भी बात करने की जरूरत करेगा तो मुझे लगता है कि वो अच्छा नहीं होगा। और खासतौर से हमेशा ही इस बात को लेकर के उनकी बातों को सुना है, उनकी बातों को सुनने के बाद हमने कहा कि इसका समाधान निकालेंगे और वो हमारे प्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं और कर्मचारी के नाते हम उनके प्रति उनकी भावनाओं का सम्मान भी करते हैं और उनकी मांगों को भी हमने अध्ययन किया है और उसके बाद कोई रास्ता उसके लिए तलाश रहे हैं। लेकिन अगर सब लोग इस प्रकार से सोचेंगे तो मुझे लगता है कि उचित नहीं। और खास तौर से पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है जो एक डिसिप्लिन फोर्स है और मुझे लगता है अगर उसके अंदर कोई इस प्रकार की चीजों को करने की कोशिश करे तो वो उचित नहीं। थैंक यू सर।